नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हम जामतरा ज़िला के कुंडेत प्रखंड में हैं और यह कुंडेत का ही सब स्टेशन है जहां से 4-5 फीडर जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहां के ऑपरेटर बता रहे हैं कि 4 से 5 मेगावाट बिजली जो यहाँ का खपत होता है उतना बिजली यहाँ मिलता है, लेकिन मानसून और मौसम ख़राब रहने के कारण तुरंत ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। अब ब्रेक डाउन क्यों होता है उसका कुछ पता नहीं, कहां तार ख़राब है, कितने साल से ख़राब है पता नहीं। यहां का जीवन नरक से भी ज़्यादा बदतर बन गया है। यहां की जो बिजली की स्थिति आप देखिएगा तो दिन का 24 घंटा में मात्र 2 से 3 घंटा ही बिजली रहता है और ख़राब मौसम में तो बिजली नाम मात्र का मिल रहता है। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वे अपना जीवन कैसे गुजारते हैं यहाँ जो रहने वाले लोग ही बता सकते हैं। अमूमन यहाँ आप अगर इस सब स्टेशन को देखिएगा और इसके अंदर में अगर पड़ताल कीजिएगा तो यहाँ की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो फायर सेफ्टी का टैंक लगा हुआ है वो कब का एक्सपायर कर गया है। खुदा न खास्ता कभी किसी तरह का दुर्घटना हो जाए तो उस आग से बचाया नहीं जा सकता है। ऐसी लापरवाही आपको कुंडेत प्रखंड के इस सब स्टेशन में देखने को मिलेगा और यहाँ के जेई साहब जैसे कि ये कह रहे हैं को रहते ही नहीं इस सब स्टेशन में, और इससे यहाँ के जो जनता है को यहाँ की बिजली मिलनी चाहिए उसे क्या सुविधा होनी चाहिए उससे कोई सरोकार यहाँ के जेई को नहीं है। बस जेई साहब मही जाम में रह के रोटी तोड़ने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद। किस पोस्ट में हैं आप? SBO में। SBO मतलब क्या हुआ? बटन पट चालक। बटन पट चालक, ये क्या है? ये जो सब स्टेशन ये? हाँ। यहाँ से कितना फीडर काम करता है? 4 फीडर है। कहाँ कहाँ? कुंडेत है, खजूरी, बंदरनाचा, फतेहपुर। फतेहपुर भी यहीं से काम करते हैं। कितने स्टाफ यहाँ कार्यरत हैं? 6 स्टाफ। 6 स्टाफ, जिसमें से आप जो अभी बताएं बटन, क्या बताएं आप, कौन पोस्ट में? SBO। SBO पोस्ट में कितने लोग हैं? 3 गो। 3 गो। और एक तीन गो है, ये है खलासी है। 3 गो खलासी, हेल्पर। 3 गो हेल्पर, तो 6 गो हो गया। जेई वगैरह भी हैं यहाँ? हाँ, जूनियर इंजीनियर है। हैं, क्या नाम है उनका? राकेश कुमार। कभी रहते हैं यहाँ पर? हाँ, अभी 33,000 प्रॉब्लम था तो फील्ड में थे। तो रहते कहाँ हैं वो? वहाँ मेजा में। उसका घर आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग तो यहाँ ड्यूटी करते हैं, यहीं रहते हैं। हाँ। और जेई साहब मीजा में रहते हैं? हाँ, तो उनका फील्ड वर्कर है ना, फील्ड का है तो वो फील्ड में देखते हैं, यहाँ आते जाते रहते हैं। नहीं, स्पेशल तो इसी फील्ड का काम को देखना नहीं, उनका जामतरा जिला नहीं, उनका है नाला है, बवंडिया है, कुंडेत है, गड़िया है, रहते हैं मीजा में, फतेहपुर है। ये बताइए कि जो आप लोग को बिजली सप्लाई मिलता है मंथ में कितना सप्लाई मिलता है बिजली का, कितना मेगावाट? मेगावाट कितना मतलब कितना यूनिट यहाँ खर्च होता है? कितना यूनिट खर्च मतलब घंटा, वो मतलब कहने का मतलब अगर मौसम ठीक रहा तो कम से कम 22 घंटा मिलता है बिजली। जनता को कितना घंटा मिलता है ये नहीं हम पूछ रहे हैं। तो आपको जो बिजली यहाँ आता है वितरण करने के लिए कितना आता है? हमको जितना ज़रूरी है, 4-4.5 मेगावाट। 4.5 मेगावाट मिलता है। हाँ। खपत कितना होता है? खपत तो वही जितना, कहने का मतलब है कि जितना हमको 4.5 मेगावाट जितना हमको खर्चा है उतना हमको मिलता है बिजली। फिर कायम रहता है कुंडेत में? कुंडेत में वो तो आपका मानसून के चलते प्रॉब्लम होता है। क्या होता है मानसून में? मानसून में जैसे बारिश हुआ, लाइटिंग हुआ। हाँ। तो 2-3 घंटा बंद हुआ, फिर चालू हुआ, या तो ब्रेकडाउन हुआ, 12 घंटा लाइन में रहता है तो ब्रेकडाउन होता है। लाइट क्यों ब्रेकडाउन हो जाता है? तो आकाशमानी लाइटिंग के चलते ब्रेकडाउन हो रहा है। उसके कारण कितना घंटा तक लाइन प्रॉब्लम हो जाएगा बिजली? अगर ये शाम को अगर होता है तो रात में तो मुश्किल है ठीक करना, सुबह होके फिर परिचालन हो जाता जितना है। सब जगह तार जो बिजली का जो तार लगा सब सड़े गला लगा हुआ है, ऐसे हम लोग कैसे बोल सकते हैं? हम लोग तो फील्ड नहीं जाते हैं ना, हम लोग तो यहीं जाता है फील्ड, वो तो लाइनमैन है। लाइनमैन कितना है यहाँ से? लाइनमैन है आपका गवर्नमेंट का है 2 गो। हाँ, गवर्नमेंट का ही बोलिए, प्राइवेट का तो कम ही नहीं बात। गवर्नमेंट का 2 गो है। हाँ। और आउटसोर्सिंग जो अभी पूरा झारखंड में चल रहा है। हाँ। उसका 10 मिस्त्री है। वो लोग फीडबैक देता है कि हाँ, खराब है? फीडबैक देता है वो तो जय साहब को ही पता होगा, वो लोग से तो पूछते होंगे, हम तो कैसे बताएंगे। अच्छा, जो इस ये जो हमेशा ब्रेकडाउन हो जाता है 4.5-5 मेगावाट बिजली मिलता है जो बच जाता है तो उसको क्या करते थे? कैसे बचेगा जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो यहाँ तो मेरे पास रहेगा ही नहीं। कहाँ जाता है?
वो तो जमताड़ा ट्रांसमिशन में ही रहेगा, वहाँ से सप्लाई होगा तब ना। आप लोगों को साढ़े चार हम लोग के हाँ साढ़े चार से पाँच मेगावाट बिजली आपको मिलता है, ब्रेकडाउन के चलते आप बिजली नहीं दे पाते हैं ना। जब हमको मेरा अगर खपत अगर जितना है हमको फुल मिलता है, अगर या प्रकृति का या मानसून के चलते अगर प्रॉब्लम होता है उस समय बंद रहता है, आने के बाद फिर चालू रहता है। अच्छा, पूरा झारखंड में इस जामताड़ा जिला का नाला कुंडेत में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि सब जगह ऐसा प्रॉब्लम है? हम लोग तो जैसे पेपर में देखते हैं बहुत जगह का हो रहा है, लेकिन ऐसे तो कैसे बता सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर तो कभी कभी 15 दिन लाइन नहीं रहता, 7 दिन नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि लाइन ही नहीं रहता? ऐसा नहीं, हम खुद भुक्तभोगी तभी तो आज हम यहाँ आए। ऐसा तो नहीं, अभी कंटिन्यू 8-10 दिन से आप दिन भर लाइन देते हैं? हाँ, तो मानसून के चलते 2-3 दिन से ऐसा प्रॉब्लम है। 10 दिन का बात कर रहे हैं? नहीं, 10 दिन से ऐसा नहीं है। आप लोग तो 1 घंटा भी लाइन नहीं देते दिन भर में, कल भी ऐसी स्थिति, परसों भी ऐसी स्थिति, ऐसा कैसे नहीं देते? पूरा जनता का रिकॉर्ड है हमारे पास। वो तो देखिए, ऐसे जो हम मेरे जो हम देते हैं वैसे बोले, अब जनता क्या अच्छा, बोलते हैं? मालूम है कि नहीं कहाँ कहाँ ब्रेकडाउन हो सकता है, कहाँ कहाँ नहीं, वो हम कैसे बता सकते हैं? वो फील्ड मिस्त्री बता सकते हैं, हाँ, लाइनमैन। आप लोगों का कोई काम नहीं, बस लाइन आएगा लाइन पर भेजिएगा, हाँ, ब्रेकडाउन अगर बोल देगा तो नहीं। नहीं, बोलते हैं तो जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ भी बैठ के रहते हैं, सब काम करते हैं, ब्रेकडाउन में भी जाते हैं। हाँ, तो अटन जैसे तार नहीं उठा पाया तो साथ दे दिए जाके, यानी जहाँ से बिजली है कड़का तो खत्म। हाँ, तो जामताड़े से काट देता है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जैसे जामताड़ा में बारिश हो रहा है, हाँ, अगर वहाँ से काट दिया, अगर फ़ोन करेंगे तो बोलेगा अभी मानसून ख़राब है 2 घंटे, जब तक मानसून ठीक नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ बंद रहता है। अच्छा, ये बताइए, जो आप लोग का इतना बड़ा जो प्लांट चला रहे हैं और जितना फायर सेफ्टी का आपको सिलेंडर दे रहे हैं, ये सब का तो डेट एक्सपायर कर गया है, खुदा न खास्ता कभी दुर्घटना हो जाए कैसे आग बुझाइएगा? अभी दो को सब खत्म है, आपका बाल्टी में बालू नहीं है, वो तो फिर नया आने वाला। लापरवाही है कि नहीं, नया आने वाला बात की बात है, बाल्टी में बालू होना चाहिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए। कहाँ है ये सब? तो हम लोग ऊपर बता सकते हैं, हम लोग तो नहीं, आप लोग का नहीं, ये सब थोड़ा आप लोग भी देखिए ना, सब ऊपर ऊपर भेजिए तो होगा, तो हम लोग बालू नहीं रख पाइएगा दो बाल्टी में? बाल्टू का यहाँ से तो बालू भी तो नहीं है, दो बाल्टी बालू नहीं आप लोगों के पास में, यहाँ कहाँ मिले? नदी भी आसपास में, तो क्या रखे हैं बाल्टी में, फायर सेफ्टी वाला बाल्टी? वो तो जब से हम लोग आए तब से दिया हुआ, वैसे क्या नहीं है, उसे पढ़ाई वढ़ाई किए ना कभी, उसे क्यों रखा जाता है? रखा जाता है वो तो जानते हैं, क्यों? आग के लिए है वो। अच्छा, ये जो आग का सब फायर सेफ्टी तो एक्सपायर कर गया, कुछ लिख के दिए कि? हाँ, खबर हुआ है, खबर किया, लिखित दिए कि मौखिक दिए? नहीं, मतलब आए थे लिखवा के दे दिए। आप लिखित दिए हैं? जैसा आए थे उसको लिखवा के दिए, बोल जैसे जैसा पूछे। जयदेव गोरा। कौन पोस्ट में आप? मैं फील्ड मिस्त्री में। कितना साल से काम कर रहा हूँ? 12 साल। 12 साल। क्या नाम हुआ? सोमाय बास्की। आप क्या हैं? हेल्पर। हेल्पर। कितना साल से काम कर रहे हैं? 10 साल से। नाला विधानसभा में जो भी विधायक बने हैं, ना ही कभी यहाँ के जो जनता है उसकी सुध लेने के लिए आए हैं, और ना ही यहाँ के जनता के जीवन से कोई सरोकार रहा है। यह कैसी स्थिति है कि आज भी यहाँ के लोग लालटेन युग में जीने को मजबूर हैं, और ऐसी स्थिति क्यों बनी है, कैसे बन रही है पता नहीं। आज भी यहाँ स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है, बिजली की व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। वो अलग बात है कि यहाँ पर जो खपत होने वाला यूनिट है उसे उसके बराबर यहाँ यूनिट उसे प्राप्त होती है, मिलती है, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुँच पाती है। ख़राब मौसम रहने के कारण फिर से उस वो जो बिजली है वो वापस फिर से फीडर में चला जाता है। अब पता नहीं क्या खेल है, किसका खेल है, ये तो विभाग ही अच्छी तरह से बता सकता है। आप लोग तब तक बन रही है जोहार न्यूज़ साथ, धन्यवाद।